हेलो फ्रेंड्स, रूबस किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर थेपला बना रही हूँ। और थेपला मैं किस तरह से बनाती हूँ गुजराती स्टाइल में, तो आज मैं नहीं थेपला बनाऊंगी और उससे भी हटकर मैं ये थेपला बनाने जा रही हूँ आज। और आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी एंड हेल्दी रेसिपी है ये। वैसे तो थेपला भी हेल्दी रेसिपी होता है गुजरात से रिलेटेड, तो गुजरात की ये फेमस रेसिपी है और सभी जगह इसको पसंद भी किया जाता है। तो ज़्यादा मैं देर नहीं करूँगी, थोड़ी रेसिपी लंबी है ये और इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये टेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। और आजकल मेथी चली रही है विंटर्स टाइम में, सर्दियों के मौसम में मेथी हरी सब्जियां मिलती हैं, तो मेथी मैं लेकर आई थी। तो काफ़ी अच्छी मेथी है, आप देख सकते हैं कितनी पीली हरे पत्तों वाली है। साथ ही साथ मैंने इसमें लिया है हरा धनिया। और यहाँ पर मेरा जो ट्विस्ट होगा वो होगा स्प्रिंग ऑनियन का। मैंने यहाँ पर प्याज नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन लिया है। और इसमें जिंजर, ग्रीन चिली, रेड चिली और गार्लिक है, हींग है और ये है मलाई वाला हंकड़, दही है, ये क्रीमी दही कहेंगे इसको हम। और यहाँ पे धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, अजवाइन और हल्दी, ब्लैक साल्ट एंड वाइट साल्ट, दोनों ही साल्ट इसमें है। और ये है ज्वार का आटा और यहाँ पे है होल व्हीट आटा और ये है काले चने का आटा। अक्सर कर गुजरात में इसको चने के साथ बनाया जाता है, जो पीले चने आते हैं चने की दाल के साथ। और मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, मैं हेल्दी रेसिपी बना रही हूँ और प्रोटीन, वैसे तो चने की दाल में भी प्रोटीन होती है लेकिन हम इसको फाइबर में इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें फाइबर का ट्विस्ट देना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको काले चने के आटे से बना रही हूँ। और ये मैंने बहुत बारीक पीसा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक भी काला छिकल नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये घर की ही मेरी चक्की है, उसे ही मैं ये आटे तैयार करती हूँ। तो मैं अब ज़्यादा देर आपका टाइम ना लेते हुए ये रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है रेसिपी को बनाने के लिए, मैंने ये चॉपर लिया है, मैं इसमें कटिंग नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मुझे इसमें डालना है थोड़ा सा, तो मैंने स्प्रिंग ऑनियन ली है इसको, और ये है मेरे पास ग्रीन चिली जो मैं इसमें दो लूँगी, इसे ज़्यादा नहीं डालूंगी। और यहाँ पे जाएगी हींग, ये है चार से पाँच कलियाँ जिंजर उसकी गार्लिक की, और एक मैंने पीस लिया है जिंजर का, तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इनको बारीक चॉप कर लेती हूँ। इस तरह से इतनी बारीक पीस चुकी है, ग्रीन चिली नहीं पीस पाई है। और इसको हम एक इसमें निकाल लेंगे इस तरह से। अब आती है बारी मेथी की, तो हम इसमें मेथी डाल देंगे और थोड़ा सा हमें यहाँ पर लेना है हरा धनिया, और हरे धनिया को हम एक साइड कर देंगे। फिर हम इसमें मेथी दोबारा से लगाएंगे और इसे इसी तरह से चॉप कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी मेथी भी पिस चुकी है, अब मैं इसको भी बाहर निकाल लेती हूँ। और अब आती है इसमें आटा मिक्स करने की बारी। तो मैंने इसमें सिर्फ चौथाई कटोरी मैंने होल व्हीट आटा लिया है और ये हाफ कटोरी मैंने ज्वार का आटा लिया है, इसको इसमें ऐड कर दूंगी। और ये है एक कटोरी काले चने का आटा, इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें जाएगी अजवाइन, अजवाइन को हम इस तरह से हाथ में मसल के डालेंगे, देखिए। और यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है और रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, क्योंकि रेड चिली पाउडर हमारा, हमने जो इसमें रेड चिली डाली है वो थोड़ी तीखी है, तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें क्योंकि बच्चे कभी कभी मिर्च ज़्यादा नहीं खाना चाहते हैं। और इसमें जाएगा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा इस तरह से, यहाँ पर जो मैंने साल्ट लिया है वो मैं 1 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी। अब
यहाँ पर मैंने जो मलाई वाला दही जो लिया है क्रीम वाला, उसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमें इसमें कोई भी बटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी से हमारा जो थेपला बनेगा वो काफी सॉफ्ट बनेगा और जब इसको खाएंगे आप इसमें एक अलग ही टेस्ट आता है। तो मैं इसको इसमें डालूंगी 2 स्पून के करीब। अब एक इसका डो बनाने की तैयारी करनी है। किस तरह से मैं डो बनाऊंगी इसका? अब डो बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसको ये देखना है कि हमें इसमें पानी की जरूरत है या नहीं है। तो इसको इतने अच्छे से हमें पहले मसलना है नमक की वजह से, क्योंकि हमने इसमें नमक ऐड किया है तो जो हमारी मेथी है, हरी प्याज है, हरा धनिया इसमें मैंने डाला है तो वो अपना पानी छोड़ेगी। पानी छोड़ने से क्या होता है, जो हमारा आटा होता है गीला हो जाएगा और हमें हो सकता है इसमें पानी की जरूरत ना पड़े और हम इसका एक अच्छे से डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमें थोड़े से पानी की जरूरत है। तो इसमें जो मेथी में हमारा काफी हरे पत्ते रह गए हैं मेथी के, उसी में मैंने हल्का सा पानी डाल दिया है और अब मैं इसका डो तैयार करूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका ये डो तैयार कर लिया है और अब इसको 5 मिनट के लिए किसी तरह से ढककर रख देंगे। तो देखिए कितना टाइट मैंने बनाया हुआ है। इसी तरह से आपको इसका डो तैयार करना है। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं तो हम इसमें अपना थेपला बना लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा देसी घी का हाथ लगाएंगे और जो लोई है इस तरह से निकाल लेंगे और जितना बड़ा आपको थेपला बनाना है उतना बड़ा आप बना सकते हैं। इस तरह से हम लोई तोड़ेंगे। देख सकती है इस तरह से मैंने थेपला बना लिया है अपना और ऐसे ही मैं और थेपले बना रख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा तवा गर्म हो चुका है और इसमें मैं डालूंगी हल्का सा घी और एक थेपला है इसको मैं यहाँ पे रख दूंगी। बनने में ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है और इसको मैं पलट देती हूँ। तो आप दूसरी साइड से दिखाती हूँ कितना अच्छा ये सिक्का तैयार हुआ है। अब यहाँ पर हम ये देसी घी और लगाएंगे। टमाटर वाली चटनी से चुका है और इसको मैं निकाल लेगी। इसी तरह से मैं दूसरा थेपला भी डाल देती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे थेपले बनके तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं। देखिए इतने सॉफ्ट बनके रेडी हुए हैं और इतने खस्ता भी हैं साथ ही साथ कि ये अपने आप से टूट जाएंगे और आप कहीं भी इसको सफर में भी ले जाकर तैयार कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसको खा सकते हैं। और अगर आप फोल्ड करके इसको खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप पास से भी मेरे थेपले को देख सकते हैं। हाई फाइबर मेरा ये मेथी थेपला बनकर तैयार हो चुका है और ये रेसिपी आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं और ऐसे ही यूनिक रेसिपी में मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।